देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा चलते हैं, हर घर में ये इसका बिना, ये चीज़ के बिना नहीं चलते हैं। तो इसका उपकारिता क्या है, और क्यों खाते हैं, और नेशा है क्या पेशा है, ये देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं सुपारी। देखिए इसको इससे तोड़ना पड़ते हैं। इसका चाबी मतलब समझिए, इसको जो इसका चाबी है। देखिए इसका ऐसा करके, ऐसा हाथ लगा के तोड़ना पड़ते हैं। बहुत हार्डी चीज़ होता है वो, ऐसे तोड़ना पड़ते हैं। देखिए फिर भी इतना कष्ट करके आदमी ये खाते हैं, क्यों खाते हैं, तो इसके बारे में हम आप लोग को बोलना चाहते हैं आज। देखिए पान कैसे बनाती है, उसको हम दिखा रहे हैं आज आप लोगों को। वेस्ट बंगाल की हर घर में चलती है। कोई घर में कुछ शुभ अनुष्ठान हो, उसमें भी पान के बिना नहीं चलता है। कुछ भी हो, इसके लिए पान चाहिए। आप लोग देखा है पिक्चर में, शायद देखा है बंगाली का शादी, उसमें भी पान चाहिए। दो पान के बिना कुछ नहीं होता है बंगाल का। इसको शुभ माना जाते हैं। और पान क्यों खाते हैं इसके बारे में इसको भी हम बोलेगा, क्योंकि मज़ा तो बहुत कर लिया आप लोगों को साथ, मज़ा की बात कर लिया। अभी सच बोलना चाहती हूँ, जो पान होता है ना वो देखिए हम लोगों का इधर में बोड़ोज में मिलता है, क्योंकि पान किसानी बनाती है, खेती में बहुत मेहनत के बाद पान होता है। ये पान बहुत दूर दूर जाते हैं। बनारस की पान आप लोग सभी जानते हैं, बनारस की पान वो भी तो खेती में ही फलता है। तो पान किस काम में लगते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। पान खाने से, ओनली फॉर पान, इसके साथ चूना उना सुपारी कुछ नहीं। ये तो आदमी शौक में खाते हैं। वो खाने से डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है, लीवर अच्छा होता है। किसी का ग्लैंड का समस्या है, ग्लैंड फूल जाते हैं जिसको टॉन्सिल कहते हैं, ये काम हो जाता है। ये मैं नहीं कहती हूँ दोस्त लोग, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं। जो आपका पेट फूला हुआ रहता है, खाने का दिल नहीं करता है, हजम अच्छा नहीं होता है, एक पान